नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी बच्चों का जो एक कन्फ्यूज़न है प्राइमरी को लेकर, बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज़न में है, बहुत सालों बच्चों का प्रश्न है जो कमेंट में आप लोग वीडियो के कमेंट में किए थे कि सर इस समस्या का समाधान बताइए कुछ कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का प्रश्न था कि क्या जो सीटेट 2023 जो जुलाई वाला होने वाला है, इसमें जो बच्चे अप्लाई किए हैं वो एलिजिबल होंगे कि नहीं बिहार भर्ती में प्राइमरी के लिए। तो यहां पर मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन में आपको लिखा नहीं है, लेकिन एक पॉइंट लिखा है। अगर आप पूरा एलिजिबिलिटी 1 से 5 तक वाला देखे होंगे तो वहां पे जब बोला है कि जो बीएड अंतिम वर्ष में है, आप देखिए यही पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट जो दिया गया है आपका कि जो बीएड अंतिम वर्ष में है उनके लिए यह पॉइंट दिखाया गया है। वो यदि उनका एग्जाम 31/8 से पहले पहले संपन्न हो जाता है, इसको थोड़ा मैं ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं, हाँ यहां पर देख लीजिए, अगर 31/8 से पहले पहले आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तब आप कहीं ना कहीं एलिजिबल होंगे जो अंतिम वर्ष में बीएड वाले हैं, क्योंकि साफ साफ यहां पर लिखा क्या है, प्रशैक्षणिक योग्यता के बारे में बात किया है। और सीटेट क्या है, आपकी पात्रता परीक्षा है। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हैं कि जब इसको मांग लिया है कि 31 तक होना चाहिए तो हमारा भी तो सीटेट का हो सकता है जुलाई वाले का रिजल्ट आ जाए। जैसे एक मैं बात कहूं कि सीटेट जो है अगर जुलाई वाला आप दे रहे हो 2023 वाला, तो मान लो 2023 वाले का एग्जाम आपका जुलाई में पड़ता है, सपोज करो आपका जुलाई में पड़ता है, 15-16 जुलाई में आपका एग्जाम पड़ जाता है, ठीक है, और आपका अगस्त तक आते आते एक महीने में रिजल्ट दे देता है, अगस्त आपके 20 अगस्त तक मान के चले हम कि हमारा रिजल्ट आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें कुछ ही बच्चे होंगे ना, और अभी एग्जाम डेट तो क्लियर हुआ नहीं है, इसका एग्जाम डेट क्लियर हुआ नहीं है, बोला गया है कि जुलाई और अगस्त में पेपर होगा, तो अगस्त में कभी भी हो सकता है, हो सकता है 15 अगस्त के बाद चालू हो। लेकिन अगर मैं एक पॉसिबिलिटी मानूं आपके कहने पर, आप लोग जो कह रहे हो कि सर जी इसके खिलाफ आवाज उठाइए, देखो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में बहुत झोल है, आप सब समझ रहे हो, गुमराह किया गया है चेयरमैन के द्वारा आप लोगों को। जब आप अंतिम वर्ष को दे सकते हो कि आप एलिजिबल हो, तो यहां पर सीटेट जो देने वाले बंदे हैं कहीं ना कहीं जो कई बार से नहीं दिए और हो सकता है इस प्राइमरी इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए, तो उनको भी बोल देना चाहिए कि भाई जो सीटेट जुलाई 2023 देगा और जो पास होगा वो भी एलिजिबल होगा। एक साधारण सी तो बात थी, लेकिन उसमें भी नहीं। हाँ, अगर बाय द वे मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि अगर आपका सीटेट जुलाई से और 20 अगस्त तक, मान लो 15 जुलाई से इसका एग्जाम डेट आ गया और 20 अगस्त में ये खत्म हो गया, तो अब ये तो 31 से पहले हो गया, और बीएड अंतिम वर्ष को बोला कि अंतिम वर्ष में जो है वो अगर 31/8/2023 से पहले उनका एग्जाम हो जाता है तो वो वैलिड माने जाएंगे इस वैकेंसी के लिए। इसीलिए यहां पे सिर्फ प्रशैक्षणिक योग्यता के बारे में बात किया है, ना कि पात्रता परीक्षा के बारे में बात किया है। ये होने को तो हो सकता है, लेकिन अब आपके जो चेयरमैन महोदय हैं वो करें तब ना, अगर वो करें तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि हमारा जुलाई में अगर बाय द वे एग्जाम आ गया और 20 अगस्त तक हमारा रिजल्ट मिल गया, तो हम तो 31/8 से पहले पहले ही आपका क्या हो गया, हमारे पास सीटेट 2023 भी क्लियर हो गया, तो हमें ये मौका मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने दिया नहीं है। हाँ, दूसरा चांसेस ये सोच रहे होंगे कि ना हो सकता है कि जुलाई अगस्त बोला गया है सीटेट का परीक्षा, तो वो अगस्त के बाद ही हो जाए, 15 अगस्त के बाद हो जाए, तब क्या होगा, तब तो भाई वैसे भी नहीं आप भर सकते हो, लेकिन एक बार कंसिडरेशन करना चाहिए था। हो सकता है अगर सीटेट जो है जुलाई और अगस्त में ही हो जाए और 20 अगस्त 22 अगस्त तक आपका क्या हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए था, या इनको खुद भी कहना चाहिए था कि जो 23 वाला देना चाहते हैं तो वो एलिजिबल है, लेकिन इस पॉइंट पर वो जल्दी अपना मत नहीं बदलेंगे, तो इसके आप लोग स्किप कर दे दिमाग से कि यहां पर सिर्फ जो बताया गया है वो बीएड अंतिम वर्ष के लिए बताया गया है, प्रशैक्षणिक योग्यता के बारे में बात किया गया है, ना कि पात्रता परीक्षा के बारे में बात किया है। इस पॉइंट को लेकर आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसका साफ साफ मतलब यही है कि बीएड अंतिम वर्ष वाले बच्चों का अगर वो 31/8 से पहले अपना
एग्जाम दे लेते हैं तो वो एलिजिबल है। इसके बाद भी अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और जो बच्चे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा प्लस निशुल्क कोर्स चला रहा है, आप परीक्षा प्लस प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे कोर्सेज में जाइएगा। बिहार शिक्षक भर्ती में पूरा वीडियो कोर्सेस आपका फ्री है। अगर आपको नोट्स लेना है तो उसके लिए नाम मात्र का शुल्क रखा गया है। पूरा का पूरा ईबुक एक तरह से हम बात करें तो आपको ईबुक जो है पूरा प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए 399 में अवेलेबल है। एक साथ आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई प्रश्न है किसी भी भर्ती से ले रहे हैं, चाहे 9 से 10 हो, 11 से 12 हो या 1 से 5 हो, जो भी आपके कमेंट आते हैं उसी को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो जो आपके मन में दुविधा था कि सर अगर इसको किया गया है तो सीटेट वाला भी, इस पॉइंट का मतलब क्या है जो ये उदाहरण करके लिखा गया है, तो बच्चा इस पॉइंट का मतलब बस प्रशैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की गई है। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।